सहज माधुरी अंग अंग
श्लोक संख्या 113। कदा सुमणि किंकिणी वलयनूपुर प्रोल्लसन् भूतविलासुरासोत्सवे अपि प्रणयिनो बृहद् भुजग्रहीतकण्ठ्यो वयम् परं निजरसेश्वरी चरणलक्ष्मवीक्षामहे। सुंदर मणि जटित किंकिणी, कंकण और नूपुरों से सुशोभित महामधुर मंडल में हो रहे अद्भुत विलास वाली रासोत्सव में प्रियतम श्री श्याम सुंदर की विशाल भुजाओं द्वारा आलिंगित कंठों वाली होने पर भी हम केवल अपनी रसमयी स्वामी के चरण चिन्हों को कब देखेंगे। यद विंद कथा सुधा रस हृदे चेतो मया जृंभितम् यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभो साध्यर्दिनं प्रापितम् यद्यत् प्रीतिरकारी तत् प्रियजने स्वात्यन्तिकीतेन मे गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्रीराधिका पुष्यतु। श्री गोविंद के कथामृत रूपी रस सरोवर में मैंने जो अपना चित्त लगाया है अथवा मैंने उनके गुणगान, उनके पूजन, उनकी श्रृंगार सेवा आदि में जो काल व्यतीत किया है अथवा उनके प्रियजनों में अर्थात भक्तों में जो जो विभिन्न प्रकार से अतिशय प्रीति की है, उस सब से उसके फलस्वरूप श्री गोपराज कुमार की प्राणेश्वरी श्री राधिका मुझ पर प्रसन्न हो। रहो दास्यं तस्या किमपि वृषभानो व्रजवरी यसः पुत्रा पूर्ण प्रणय रसमूर्तेर्यदि लभे तदानाः किं धर्मैः किमु सुरगणैः किं च विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलनयत्ने रपि च किम्। पूर्णतम
प्रेम रस की मूर्ति और व्रज वरिष्ठ श्री विश्वभानु की पुत्री का कोई अनिर्वचनीय एकांत दास्य यदि प्राप्त हो जाए तो हमको धर्मों से क्या, देव समूह से क्या, ब्रह्मा से क्या, शिवजी से क्या, और स्वयं श्री श्याम सुंदर के मिलने के प्रयत्न से भी हमें क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो श्याम सुंदर तो अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे। चंद्रास्ये हरिणाक्षी देवी सुनसे शोणाधरे सुस्मिते चिल्लक्ष्मी भुजवल्लिकम्बुरुचिर ग्रीवे गिरे द्रस्तने भंजन मध्य व्रीहन नितंब कदली खंडोरुपादाम्बुज प्रोन्मीलन नख चंद्र मंडली कदा राधे मया राध्य से। हे चंद्रमुखी मृगलोचनी देवी सुंदर नासिका अरुण अधर और सुंदर मुस्कान वाली शोभा संपत्ति युक्त लता जैसी भुजाओं वाली शंख के समान सुंदर ग्रीवा वाली गिरिराज के समान श्री वक्षस्थल वाली कृशोदरी स्थूल नितंबे कदली खंड के समान जंघा और कमल के समान चरणों में चमकते हुए नक्षत्रों वाली हे श्री राधे तुम कब मेरी आराधना स्वीकार करोगे। राधा पाद सरोज भक्ति मचला मुद्वीक्षनिष्कैतवाम् प्रीतः स्वं भजतो निर्भर महा प्रेमणादिकं सर्वसह आलिंगत्यथ चुंबती स्ववदनात् ताम्बूलमासीर्पयेत् कंठे स्वाम्बन मालिकामपि मम न्यस्येत् कदा मोहनः। श्री राधा के चरण कमलों में अचल और निष्कपट भक्ति देखकर मोहन श्री श्याम सुंदर अतिशय महाप्रेम से सर्वात्मना अपना भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर उसे श्री राधा भक्त को श्री राधा उपासक को आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, अपने मुख से उसके मुख में तांबूल जो पान का बीड़ा है वह देते हैं तथा उसके कंठ में अपनी वनमाला पहना देते हैं। ऐसा वे श्री मोहन मेरे प्रति कब करेंगे। लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कान्तिः कापि महाद्भुता वरतनोर् लीलागतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुततमा यस्याः स्मितं चाद्भुतं साराद्भुतमूर्तिरद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति। जिनका लावण्य परम अद्भुत है, रति कलाओं में चातुरी अत्यंत अद्भुत है, कोई अनिर्वचनीय कांति महाअद्भुत है, कमनीय श्रीअंग वाली श्री राधा की लीलापूर्ण गति भी अद्भुत है, उनकी दृग्भंगी श्री अंग वाली श्री राधा की लीलापूर्ण गति भी अद्भुत है, उनकी दृग्भंगी नेत्र संचालन अद्भुत से भी परम अद्भुत है तथा मंद मुस्कान अद्भुत है। वे अद्भुतता की मूर्ति श्री राधा मुझे अद्भुत रस वाली अपनी दास्ता कब प्रदान करेंगे। भ्रमत भ्रिकुटि सुंदरम स्फुरित चारु बिंबाधरम ग्रहेत
मधुर हुं कृतं प्रणय केलिकोपाकुलं महारसिक मौलिना सभय कौतुकं वीक्षितं स्मरामि तव राधिके रतिकला सुखं श्रीमुखं। नर्तनशील भृकटियों से सुंदर बने हुए, प्रणय कोप के कारण कांपते हुए सुंदर बिंबाधर वाले, प्रियतम द्वारा कर कमल आदि पकड़े जाने पर मधुर हुंकार वाले, प्रेम केली में कोप से आकुल बने हुए और महारसिक शेखर श्री श्याम सुंदर द्वारा भय एवं कुतूहल पूर्वक देखे गए आपके रति कला के सुख से पूर्ण शोभाशाली मुक्का हे श्री राधिके मैं स्मरण करता हूँ। उन्मीलन मुकुट छटा परिलसत दिव चक्रवालम स्फुरत केयो रांगदहार कंकण घटा निर्धूत्र निर्धूतरत्न छवि श्रोणी मंडल किंकिणी कलरवम मंजीर मंजुध्वनि श्रीमत् पाद सरोरुहं भज मनो राधाभिधानं महा। हे मन, प्रकाशमान मुकुट की छटा से विशेष शोभित हो रहा है दिशाओं का समूह, जिससे चमकते हुए केयूर अंगद हार तथा कंकण समूहों से रत्नों की छवि का तिरस्कार करने वाले, नितंब प्रदेश में किंकिणी की मधुर झंकार से युक्त, नूपुरों के मनोहर नाद युक्त, शोभा संपन्न चरण कमल वाली श्री राधा नामक तेज का भजन कर। श्यामा मंडल मौलि मंडन मणि श्यामानुराग स्फुरत द्रोमोत भेद विभाविता कृति रहो काश्मीर गौर छवि सातीवोन्मद काम केली तरला मां पातु मंदस्मिता मंदार द्रुम कुंज मंदिर गता गोविंद पटेश्वरी। अहो श्यामाओं, 16 वर्ष वाली युवतियों के मंडल की शिरोभ भूषण मणि, श्याम सुंदर के अनुराग से स्फुरित हो रहे रोमांचों द्वारा विभावित पहचानी जाने वाली। एक बार श्री जी का हित सजनी ने श्रृंगार किया, श्रृंगार पश्चात दर्पण सामने पधराया। प्रिया जो हर समय प्रीतम के अनुराग रंग में डूबी रहती है, अतिशय प्रीति होती अंतरगति। प्रियाजू के श्रीअंग में हर समय रोमांच होता रहता है। प्रीतम का चिंतन करते करते प्रीतम में तदात्म रहते हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, बड़ा अद्भुत अनुराग है प्रिया प्रीतम में। तो श्री जी ने देखा दर्पण में कि इतनी सुंदरी हमारी श्री जी 64 कलाओं में प्रवीण होते हुए भी भोरी है। इतना सुंदर रूप श्री जी का है कि स्वयं श्री जी भी विस्मृत हो गई। दर्पण को देखकर उनको ऐसा लगा कि कोई अत्यंत हमसे भी सुंदरी यहां पधारी है। विशाल दर्पण, तो ये भ्रम हो गया श्री जी को। श्री जी बड़े प्यार से पूछती हैं, सखी तू कौन है, तू यहां क्यों आ गई? तुझे बहुत प्रियता से भर के एक बात बता रही हूं कि यहां एक ऐसे हैं
जिनकी दृष्टि में दृष्टि मिल जाने के बाद जिसकी दृष्टि मिलती है वो अपने आप को विस्मृत कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने आप के अस्तित्व को मिटा देता है। हम तो आपको यही उचित सलाह देंगे कि तुम अभी चुपचाप यहां से चले जाओ। श्री जी के हृदय में है कि ये देखो रोमांच रंग वाली इतनी सुंदर युवती, अगर इसे श्याम सुंदर देख लेंगे तो अत्यंत आसक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं। और देखो इसके श्रेयंग में तो प्रेम का लक्षण प्रकाशित हो रहा है, रोमांच आदि। श्री जी को लगा कि इसे मैं समझा बुझा करके यहां से विदा करूं। श्री जी ने कहा अच्छा तू बता किसकी बेटी है, यहां तुम्हारा आगमन कैसे हो गया? अरे तू तो बड़ी गर्वीली है, बोलती ही नहीं है, हम इतनी बार पूछ रहे हैं तू बता ही नहीं रही, ना तो अपना परिचय बता रही, और हम जैसा कर रही हैं वैसे ही तू कर रही। समस्त सखिया आनंद विभोर हो रही श्री जी की इस भोरेपन को देखकर। श्री जी ने कहा सखी हम तुम्हारे चरण पकड़ती हैं, तुम यहां से चली जाओ। हित सजनी जी ने नंद नंदन को इशारा किया, लालजू को इशारा किया कि आप इस भ्रम को तोड़िए लाडली जू के। तो जे ही लाडली जू के ऐसे गलभियां डाली तो हित सजनी जी ने कहा देखो प्रियाजू ये जो सामने गलभियां पड़ी वो आपकी, ये आपका ही स्वरूप है। ऐसी हमारी सौंदर्य महामहिमा में महाछवि महालावण्य महाप्रेम रस वर्षण करने वाली लाडली जी है। जो श्री लाडली जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर इनका भजन करता है, भजन भज धातु सेवायाम, जो इनकी सेवा परिचर्या में रहता है, तो बड़े बड़े भजनानंदियों को भी जो अत्यंत दुर्लभ है, क्या श्री कृष्ण का आलिंगन, श्री कृष्ण के मुख में चरवित पान प्रसादी और भी बहुत रसमय चेष्टाएं, वो विवश होकर के लालजू करते हैं, उसे अपने श्री मुख का पान देते हैं, उसे हृदय से लगाते हैं, उसके सामने अत्यंत दैन्य रहते हैं, महाप्रेम रस उसके हृदय में स्फुरित होता है, जिसके हृदय में श्री राधा चरण अरविंद की शरणागति, श्री राधा चरणों की उपासना, श्री राधा चरणों की ठसक होती है। श्री लालजू महाराज को प्रसन्न कर लेना बहुत कठिन है, क्योंकि ये दुरंत माया प्रभु की तरफ जाने से रोकती है, पर यदि लाडली जी के शरण हो जाए कोई तो सब सहज में हो जाता है, उसका संपूर्ण बल श्री लालजू बन जाते हैं। और जिसके संग में लालजू हैं, प्रियाचरण आशक्ति है, कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। तो ऐसी सुघर जोरी, ऐसी रसमयी जोरी, ऐसी परम भोरी प्रियाजू के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेकर निरंतर जो रस में डूबी हुई है, उनका चिंतन करने से उपासक रस में डूब ही जाता है। हमारी प्यारी जो प्रेम की साक्षात सार स्वरूपा है, प्रेम का सार रूप है, अहो भाग्य जो हमें राधा किशोरी के चरणों का आश्रय मिला, हमें राधा नाम जपने का सौभाग्य मिला, हमें राधा धाम का आश्रय और वास प्राप्त हुआ। अत्यंत महिमामय हमारी लाडली जो है जी, गौर कांति वाली, अत्यंत उन्मत्त प्रेम के लिए से चंचल बनी हुई मन मुस्कान वाली तथा कल्पतरु के निकुंज मंदिर में विराजमान वे श्री गोविंद की पट्टेश्वरी सिंहासनासीन स्वामिनी श्री राधा मेरी रक्षा करें। उपास्य चरणाम्बुजे व्रजभृतां किशोरी गणैर महद्भिरपि पूरुषे रपरिभाव्य भावोत्सवे अगाधरसधामनी स्वपद पद्म सेवा विधौ विधे मधुरोज्वला
मधिकृति ममाधीश्वरी। जो हमारे प्रेम उपासना ब्रज मंडल में गोपी प्रेम की ध्वजा कहेंगे, उनको कहां से ऐसा श्री कृष्ण अनुराग प्राप्त हुआ, तो बोले कि सूरी जी के चरणों की आराधना से। ये ब्रजवासी जनों की अत्यंत लाडली जो किशोरियां हैं, इन्होंने हमारी स्वामिनी जी के श्री चरणों की आराधना की, जिससे इन्हें वो अद्भुत कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, जिसको बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं जानते, केवल वंदना मात्र करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्ष्मशा, आशा करते हैं कि इनकी चरण रज से हम अभिषिक्त हो जाएं, हमें कोई लता गुल्म औषधि तरु आदि यहाँ बनने को मिले, जिससे इन ब्रज किशोरी गणों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़े। श्री लाडली जू के श्री चरणों की उपासना से ही श्री कृष्ण आसक्ति प्राप्त होती है। यदि लाडली जू का कृपा कटाक्ष ना हो तो श्री कृष्ण आराधना करने पर श्री कृष्ण का वैभव प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन प्रेम वैभव नहीं। जैसे उद्धव जी श्री कृष्ण आराधन में पूर्ण अनन्य भाव से तन्मय है, श्री कृष्ण के ही साथ प्रसाद पाना, श्री कृष्ण की प्रसादी पोशाक धारण करना, श्री कृष्ण का नाम जप करना, श्री कृष्ण के रूप का चिंतन करना, श्री कृष्ण के सानिध्य में निरंतर रहना, ऐसे श्री उद्धव महाराज हैं। पर उनको कहीं भी श्री कृष्ण का वो अनुराग प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि समस्त शास्त्रों के परम ज्ञाता, सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्यात्म के रहस्य को जानने वाले, सूक्ष्म से सूक्ष्म श्री कृष्ण के महान ईश्वर वैभव के ज्ञाता, पर प्रेम रस के ज्ञाता नहीं। प्रेम रस का ज्ञान तो उनको जैसे ब्रज में आने पर, ब्रज किशोरियों की चरण धूलि पर लौटने पर हुआ, वैसा कहीं नहीं हुआ। तो ऐसी ब्रज किशोरी जिनकी ऐसी महिमा है, वो कैसे इस पद को प्राप्त हुई, तो बोले श्री लाडली जू के चरण धूलि का सेवन, श्री लाडली जू के श्री चरणों की आराधना। आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले। उन्होंने श्री लाडली जू के श्री चरणों की आराधना करके ऐसा श्री कृष्ण अनुराग प्राप्त किया। श्री लाडली जू के श्री नखचंद्र कांति की छटा ऐसी है कि एक बार जिसके हृदय में प्रकाशित हो जाए, वह अनुराग रस से युक्त हो जाता है। यत पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी। जिनके सी चरणों की नख कांति का एक तेज, एक किरण समस्त गोपी जनों के हृदय में प्रकाशित हुई, तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। ऐसी हमारी श्री लाडली जो है, जो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा ना जाने जानने वाली है, नहीं जान सकते। देखो लिखा है महद्भिरपि पुरुषैर परिभाव्य भावोत्सवे। ये बड़े बड़े महापुरुषों के भी ज्ञान में, जानकारी में ना आने वाली हमारी स्वामिनी जी है। इसीलिए अन्यत्र राधा नाम का परिचय, राधा रूप का परिचय, राधा रस विहार का परिचय नहीं है। ये तो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यन्न श्रुति कम शिरो प्यारोढुम क्षमते न यथ्यु सुकादी नाम तु यद्ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। ये तो केवल वृंदावन की कृपा, केवल यो वृंदावन सीम्नि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस तत्कैंकर रसामृतादि परम चित्ते न मे रोचते। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान महान आश्चर्यमय स्वामिनी जी के श्री अंग कांति से संपूर्ण निकुंज कांतिवान होता है, स्वामिनी जी के श्री अंग की सुगंध से संपूर्ण वृंदावन सुवासित रहता है। श्री लालजू भ्रमर की भांति अत्यंत आशक्त चित्त से श्री लाडली जू का सेवन करते हैं, इसीलिए सखियां श्री लालजू को अत्यंत दुलार करती है। महाप्रभु कह रहे हमारी श्री लाडली जू बड़े बड़े महापुरुषों के भी ज्ञान में ना आने वाली,
ध्यान में ना आने वाली, जानकारी में ना आने वाली तत्व हैं। ये राधा तत्व अत्यंत गूढ़ तत्व है, ये राधा प्रेम अत्यंत रहस्यमय है। बिना राधा चरण अरविंद की आसक्त चित्त सहचरियों के संग के ये रस जाना ही नहीं जा सकता। महाद्भिरपि पुरुषैर परिभाव विभावोत्सवे, बड़े बड़े महापुरुष हैं लेकिन वो इस रस को नहीं जानते, राधा स्वरूप को नहीं जानते, राधा तत्व को नहीं जानते। इसीलिए इस मार्ग के उपासक को संपूर्ण भाव प्यारे जू के रस में डूबे हुए रसिक जनों के चरणों में दे देना चाहिए, जिससे उनकी आज्ञा पालन में हमारे हृदय में कोई प्रश्न ना उठे। तो सहज में लाडली जू का भाव आप जान जाएं। देखो आप तत्व ज्ञानी नहीं हो, लेकिन आप देखो अपनी प्यारी जू की बात में आपका चित्त प्रवेश पाता है। आपके हृदय में है कि लाडली जू मेरी है। आपके हृदय में ये भी राधा नाम सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हमारी श्यामा जू की नाम कीर्ति गुण रूप की महिमा, हमारी लाडली जू की, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात जिसके हृदय में आ गई ना कि अच्छा ये चर्चा मेरी श्यामा जू की हो रही ना, मेरी लाडली जू, ये मेरी लाडली जू का नाम है ना, ये मेरे लाडली जू के दुलारे है ना, ये मेरे लाडली जू का धाम है, मेरी लाडली जू, बस ये बहुत बड़ी सिद्धि है, ये बहुत बड़ा लाभ है। इसी से इस रहस्य को जान जाएगा प्यारी जू प्यारे जू के जो सुरत रस का खेल है, जो रस क्रीड़ा है, वो तभी जान जाएगा संपूर्ण रस रीति का, वो ज्ञाता हो जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े योगींद्र मुनेन्द्र बड़े बड़े महापुरुष भी के लिए अज्ञे हमारी स्वामी जी, स्वामी जी को नहीं जान सकते, बहुत गूढ़ रस है। इसीलिए जब चर्चा होती है और बाहर के जन सुनते हैं तो उनको लगता है कि क्या राधा एक शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिमान है। इसीलिए प्रायः अन्य उपासनाओं में यदि जुगल उपासना भी है तो श्री कृष्ण की प्रधानता से है। वो भोग लगाएंगे तो पहले श्री कृष्ण को बाद में लाडली जी को, श्रृंगार करेंगे तो पहले श्री कृष्ण का बाद में लाडली, क्योंकि वो ये मानते हैं कि लाडली जू शक्ति है और शक्तिमान श्री कृष्ण उनको अपने अधीन किए हुए हैं। नहीं जान पाए ना, देखो यहाँ नवनिवृत्त निकुंज में देखो, जाके अधीन सदा इस्सावरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हुए अधीन संग ही संग डोले। हमारे यहां देखा गया कि यदि कहीं लालजू को प्रथम कौर दे दे तो पाएंगे नहीं, पहले प्रिया पवाए। जिस भोग को श्री जी अपने अधरों से स्पर्श कराती है लालजू के लिए, वो प्राण हो जाता है, वो जीवन हो जाता है। ये प्रेम की बात केवल वृंदावन के रसिकों से, केवल वृंदावन का आश्रय से, वृंदावन के वास से, वृंदावन की जो रसमय उपासना उसके द्वारा जाना जा सकता है, अन्यत्र नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो जितना बड़ा योग सिद्धि प्राप्त किए हो, अरे भगवान शंकर जी से बढ़कर कोई योग सिद्ध थोड़ी हो सकता है, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई योग सिद्ध थोड़ी हो सकता है। वो अपने स्वरूप में रहकर संपूर्ण प्रपंच का विस्तार करते हैं, वेद उन्हीं से प्रकट हुए हैं, उनके चार मुख से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान ब्रह्मा जी। लेकिन इन सबके लिए हमारी स्वामिनी जो ना जानने में आने वाले तत्व हैं, बड़ा सौभाग्य है। हर समय पुलकित रहो कि हमें बहुत बड़ी वस्तु मिल रही है, हमें बहुत सुंदर सहज रीझने वाली श्री स्वामिनी जी की उपासना मिल गई है। मन को प्रमाद में ना जाने दीजिए, आठों पहर इन्हीं को दुलार कीजिए, इन्हीं का नाम रटिए, इन्हीं के रसिकों का संग कीजिए। कोई बहुत बड़ा महापुरुष है तो प्रणाम है, नमस्कार है, लेकिन हमें उससे क्या, क्या वो हमारे लाडली जी के प्रेम रहस्य को बता सकता है क्या, क्या वो हमारी लाडली जी के चरणों में प्रीति करा सकता है क्या, नहीं। तो जो श्री जी के चरणों के आसक्त जन हैं उनसे हमारी ऐसी प्रीति हो कि उनके हृदय में जो चल रहा है वो हमारे हृदय में आ जाए, ये प्रीति से आता है। प्रीति का संबंध जैसे बिजली कनेक्शन से आती है, जब हमारे घर का तार जहां से बिजली आ रही होती है उस बोर्ड में लग जाता है तो हमारे घर में बिजली आ जाती है, ऐसे ही हमारे मन का तार
जब रसिक चरणों में लग जाएगा तो उनके मन में जो चल रहा है हमारे मन में आ जाएगा। यह ऐसा मार्ग है, यह आशीर्वाद वाला नहीं है। जाओ ना, आपका मन उधर पूर्ण समर्पित, तो वहां जो चल रहा है वो आपके हृदय में आ गया। देखो हमारे रसिकों के चरित्र पढ़ के देखो, स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनके परिकर के चरित्र पढ़ के देखो, अत्यंत गुरु आशक्त, अत्यंत रसिक आशक्त। तो रसिकों की आशक्ति जहां है वही उनके हृदय में प्रकाशित हो गया, काम बन गया। इसीलिए तो महाप्रभु ने पीछे ये वर्णन किया, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद वृंदाटवी मनुषरो प्रणयेन चेता सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। ऐ मन, तू बड़े बड़े महापुरुषों का और बड़े बड़े महत साधनों का त्याग करके वृंदावन आ जा, क्योंकि वृंदावन में जिनका स्वभाव है तार देना, स्वभाव है उनका स्वामी जी का, एक राधा नामक तत्व विराजमान है। तू आ, इनकी शरण हो जा, इनका भजन कर। यदि इनकी शरण में हो गया तो हृदय की बात कहता हूं, विश्वास कर लेना। कैसे कहूं, कोई लिखा पढ़ी तो इसमें की नहीं जा सकती, बस आपको विश्वास ही करना है। यदि आपने थोड़ा भी हमारी लाडली जी के चरणों का सहारा ले लिया है तो निश्चिंत हो जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ। कोई भी कर्म बंधन न पीछे का न आगे का आपको बांध नहीं सकता, कोई भी बाधा आपको लाडली जी की कृपा कटाक्ष से दूर नहीं कर सकती। हमारी लाडली जी की कृपा रसधारा कोई ऐसे कमजोर झरने वाली नहीं है कि ज्यादा कोई शिला आदि पड़ गई तो धारा लौट जाएगी। अगर हमसे कोई महत से महत अपराध भी बन जाए तो कृपा उस अपराध का मोचन करा देगी, वो कृपा धारा हमें लाडली जी से मिला देगी। बस हमें लाडली जी के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और उनसे प्यार करने वालों में अत्यंत आसक्ति, ये जरूरी है। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। जिसका चिंतन का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम राग द्वेष का चिंतन करते हैं तो संसारी बनते चले जाते हैं। हम किसी भी महापुरुष संत का चिंतन करें तो हमारी अध्यात्म जो ऊर्जा शक्ति हो जागृत हो जाएगी। पर प्रेम रस प्रियाजू के चरणों की आसक्ति नहीं जागृत होगी। ये हमने अपने हृदय में अनुभव किया है। जब श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास मिला और हेतु की कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल जी की शरणागति प्राप्त हुई तो बिल्कुल एक बालवत बुद्धि थी, इस मार्ग में बिल्कुल अनजान, कहीं कुछ भी पकड़ में ना आने वाली बात, किशोरी जो पहुंच ही नहीं थी। श्री कृष्ण तक तो बात समझ में आती थी श्रीमद् भागवत जी की कृपा से, और भी शास्त्रों में बड़ी महिमा श्री कृष्णचंद्र जी की है, पर प्यारी जी की कहीं महिमा ही नहीं पढ़ी थी, प्यारी जी की कोई बात ही नहीं थी, कैसे जानते हैं। वृंदावन के रस में डूबे हुए रसिक महापुरुष के कृपा कटाक्ष से वो सब बात आ गए जो उनको देना था। हमारे बस की बात नहीं थी, साधना के बस की बात नहीं थी, किसी और महापुरुष के बस की बात नहीं थी। बड़े बड़े परमहंसों का दर्शन हुआ, बड़े बड़े परमहंसों का संग हुआ, पर राधा रस को थोड़ी जान गए, राधा रस के थोड़ी ज्ञाता हुए। वो तो इस भूमि का सेवन करने वाले रजोपसेवी, वृंदावन रजोपसेवी जुगल जोरी की उपासना में उन्मत्त रसिक कृपा कटाक्ष से हृदय का परिवर्तन हो गया। नहीं तो असंभव, जन्म जन्मांतर लग जाते फिर भी असंभव, हृदय का परिवर्तन नहीं होता। ये बड़े बड़े महापुरुषों से अज्ञे है हमारी स्वामिनी जी, इसलिए वृंदावन के रसिकों के प्रति विशिष्ट महत्व बुद्धि हो, विशिष्ट महत्व बुद्धि। जो वृंदावन वास करते हैं
महाप्रभु ने इसी सुधा निधि में आखिरी में वर्णन किया है कि वो बड़े बड़े योगियों के द्वारा दर्शन ही हो जाते हैं, बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शन ही हो जाते हैं जो वृंदावन रज का सेवन करते हैं, वृंदावन वास करते हैं। वर्तमान में यदि उनसे कोई पापाचरण भी बन जाए तो पापाचरण इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि उस रजोप सेवी को परास्त कर दे, उसे नष्ट कर दे, ऐसा नहीं। बड़ी महिमा है क्योंकि प्यारी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। फिर जो उनका नाम जप करते हैं, फिर जो गोरे चरणारविंद की ठसक में रहते हैं, उनकी महिमा का कैसे वर्णन किया जा सकता है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि हे स्वामिनी, हे अगाध रस की सदन, आपके श्री चरण कमलों की सेवा विधि में मुझको अधिकार प्राप्त हो, आपके श्री चरण सेवा का अधिकार प्राप्त हो। श्री जी की श्री चरण सेवा का अधिकार जब तक ये उज्ज्वल निष्काम परम धर्म का प्रकाश नहीं होता तब तक नहीं होता। अगर हम में पुरुषत्व रह गया, हम में स्त्री भाव रह गया, तो हम श्री जी की सेवा का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। हम श्री जी की हैं ये भाव, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाए। हमारे हृदय में हे लाडलीजू, हे रस की सदन, हे अगाध रस सिंधु वाली स्वामिनी जू, आप अपने दासत्व को प्रकाशित कर दो। हमारे हृदय में जो पुरुष भाव है, जो स्त्री भाव है, अर्थात जो देह भाव है, देह को लेकर मैंपन है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, हे अगाध रस दान करने वाली स्वामिनी जू, ये भाव मिटा दो और हमारे हृदय में ठसक हो जाए कि मैं आपकी दासी हूं, आपकी सेविका हूं, आपकी परिचर्या का अधिकार प्राप्त केवल आपकी कृपा कटाक्ष से होता है। हे स्वामिनी जू, आप मुझे उज्ज्वल रस में डुबो दीजिए, अपनी दासता का अधिकार प्रदान कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही प्रदान कर सकती हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी मिल सकते हैं, लेकिन आपके श्री चरणों का प्रेम प्रदान करने वाला अत्यंत दुर्लभ है। वैसे तो सर्वत्र भगवत बुद्धि करने वाला महात्मा ही दुर्लभ है। बहुत जन्मों की आराधना के बाद किसी को ऐसा अनुभव होता है कि सब श्री कृष्ण है, उसको महात्मा को प्रभु कह रहे स महात्मा सो दुर्लभा, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। लेकिन उससे भी करोड़ गुना दुर्लभ है जो श्री लाडली जू के अनुराग रस में डूबा हुआ है। तो हे लाडली जू, आप कृपा करो, अपने रसिकों का संग प्रदान करो, अपनी रस धारा में मुझे डुबो दो, अपनी दास्ता प्रदान करो, अपना उज्ज्वल प्रेम रस प्रदान करो। श्री स्फुटवाणी पद संख्या 5। जगई प्राण जो घट रहे, पिय बिछुरंत निकज। जकई प्राण जो घट रहे, पिय बिछुरंत निकज। सर अंतर और काल सी तरफ तेज बन गज। सर अंतर काल से तरफ तेज बन गज। तरफ तेज घन गज लज तोहे बदन नावे। तरफ तेज घन गज लज तुही बदन नावे। जल बिहु न करने जल
जल विहोन करि नैन भोर के हाय बता। जय श्री तहरि वंश विचारि बाद आस कौन जो बगै। जय श्री तहरि वंश विचारि बाद सारस यह संदेह प्राण घट रहे दुचकई। सारस यह संदेह प्राण घट रहे दुचकई। प्रेम रस में जो श्रृंगार रस सर्वोपरि है, इसमें दो भाव प्रायः महापुरुषों की उपासना पद्धति में पाए गए। एक भाव है परकिया भाव और एक भाव है स्वकिया। लेकिन हमारे जो वृंदावन रस की उपासना है ना, स्वकिया है ना परकिया है, महाप्रेम रस, महामाधुर्य रस। जब तक इस रस को कोई समझेगा नहीं तब तक वो ऐसी बातें कहेगा कि बिना विरह के प्रेम रस क्या वर्णन होता है। परकिया भाव में श्री कृष्ण के विरह में तड़पना, वास्तविक तड़पने में जो सुख है क्या कहना, वो तो वही जानते जिनका हृदय श्री कृष्ण के लिए तड़पता रहता है। नेत्रों में रूप माधुरी होती है, हृदय में मिलन की प्रबल आकांक्षा होती है, आह भर करके पुकारता रहता है, हा प्रीतम, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, कब हमारे नेत्र गोचर हो गए। संपूर्ण भुवनों को पावन करने में उस महापुरुष की सामर्थ्य होती है जिसके हृदय में भाव होता है, जो श्री कृष्ण के विरह के लिए तड़पता रहता है, अपने जीवन को समर्पित कर देता है, बलिहारी है उस महापुरुष की। एक है स्वकिया, मैं श्री कृष्ण की निजी हूं, उनकी श्री अंग के समीप ही रहती हूं और उसी में पुलकित होते हुए श्री कृष्ण को रिझाती रहती है। स्वकिया और परकिया, ये दो भाव प्रायः उपासना में पाए गए। प्रायः सबका ऐसा मानना है कि जो श्रृंगार रस है इसमें वियोग और संयोग ये अत्यंत आवश्यक है। वो हर समय समीप रहा तो स्वाद में कमी आने की संभावना होती है, थोड़ा अंतराय पड़ना चाहिए तो फिर और नवीन ललक होती है, और ज्यादा अंतराय पड़ जाए तो महान क्लेश प्राप्त होता है। इसलिए संयोग भी होना चाहिए, थोड़ा वियोग और थोड़ा संयोग होना ही चाहिए, तभी प्रेम रस परिपक्व होता है, ऐसा मानना है और ऐसा सिद्धांत है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी इन दोनों बातों को इन्हीं दोनों पदों में संबोधन करके समझा रहे कि इन दोनों से अलग है हमारी उपासना। देखो, महाप्रभु ने आजत राजत दंपति भोर इस पद में
वर्णन किया। कहाँ है प्रिया प्रीतम? एक ही सिंहासन पर विराजमान। कैसे विराजमान? ऐसे विराजमान, अनसन पर भुज दिए और बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, दोनों दोनों के मुख चंद्र का दर्शन कर रहे हैं अत्यंत आसक्त होकर। अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान, क्या पान कर रहे हैं? रूप रस का। प्रियाजू लालजू की, लालजू प्रियाजू की, और रसमत, और उस रस का रूप रस का पान करके दोनों रसमत हैं। पर आश्चर्य की बात, लोचन त्रसित नेत्र रूप रस के लिए प्यासे हैं। यह है हमारा वृंदावन रस। भगवत रसिक जी ने वर्णन किया, अरबरात मिलवे को, मिलन के लिए तड़प रहे हैं। ऐसा लगता है बहुत दूरी है, निश दिन मिले ही रहत। देखो कैसा यहां का प्रेम रस है, यहां का ऐसा विरह नहीं है कि प्रीतम बहुत दूर हैं या प्रीतम सुबह से शाम तक गाय चराने जाते हैं और उनसे प्यार करने वाली उनकी प्रेयसी किशोरियां दिन भर विरह से तड़पती हुई उनका गान करती, उनका स्मरण करती हुई व्यतीत करती हैं और संध्या काल में साक्षात्कार करती हैं। यहां ऐसा नहीं, यहां जो हमारी युगल उपासना है ना, स्वकीय है ना परकीय है, बड़ा आंतरिक रहस्य है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न मानहीं बलिहारी। ऐसा महाप्रेम किसी के सामर्थ्य ले कि वर्णन कर सके। एक कुंज एक सेज एक पटोढ़े बैठे, बड़ा कहीं दूर ले। फिर भी है ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाय ले, तो देखो कहा हो प्यारी। हो अतिशय महाप्रेम, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न मान नहीं। संयोग मानते ही नहीं, ऐसा लगता है ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी, दुति को दुत लेखनी न कागत। ओहो बलिहार इस वृंदावन महाप्रेम रस की बलिहारी। अरबरात मिलवे को निशदिन, रात दिन मिलने के लिए व्याकुल है, मतलब मिले ही नहीं, बोले नहीं निशदिन मिले ही रहे, मानो कबहू मिले ना। ओ हो जो फूलों को देख के डर जाए कुमला जाए, उसको तलवार दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये हमारी युगल किशोर जोरी में विरह नहीं है, इस कोटि का, और इस कोटि का विरह है जो कहीं नहीं है। ये बड़ा गूढ़ रस है, रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य, बहुत गूढ़ रहस्य। किशोरी किशोर अत्यंत आसक्त चित्त होकर ना तो तन से कभी बिछुरते हैं ना मन से बिछुरते हैं, लेकिन कभी संयोग ही नहीं हुआ। दो आदिन अंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी, ये कैसे कोई समझ सकता है, कैसे कोई मान सकता है? संयोग हो रहा है, मनो कबहू मिले ना। ओ ये बड़ा गूढ़ प्रेम रस वृंदावन का, इसीलिए बिना रसिक रेमन रसिकन संग मिल रंचन उपजे प्रेम। तो इन दोनों भावों को महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं उदाहरण से। चकई
और सारस की परस्पर वार्ता से। सारस ऐसा संयोगी है कि अगर जोड़े में से एक बिछुड़ जाए तो दूसरा तत्काल प्राण त्याग देता है, अकेले सारस नहीं रह सकते। और जो चकई है इसका कभी रात्रि में मिलन नहीं होता, समीप ही है सरोवर के उधर अगर उसका पति है तो मिलेगी नहीं। दोनों की इस अनुराग वृत्ति का दर्शन करा रहे हैं कि देखो इसमें नापो कहां वो प्रेम है दिखाई दे। चकई के प्रेम को देख करके सारस ने मानो प्रश्न कर दिया कि चकई तेरा प्रीतम सरोवर के उस पार है और तू इधर विरह से व्याकुल है, कैसा तेरा जीवन, कैसा तेरा प्रेम कि रात्रि है तो हम नहीं मिल सकती, बिजली चमक रही तो तुझे दिखाई दे रहा है वो प्रीतम, तू विरह को धारण किए बैठी, तेरे प्राण नहीं निकल जा रहे, तू कैसी प्रेमी है कि तू इंतजार कर रही है। सारस ऐसा कह रहे, अरे सुख है तो प्रीतम के संयोग में सुख है, उनको दिखाई दे रहा है कि वो तेरा प्रीतम, फिर भी तू अलग। कितना सुंदर समय है, देख बिजली चमक रही है, रात्रि का समय है, मेघ गर्जना कर रहा है और तू अपने प्रीतम से बिलग है, प्रीतम का दर्शन हो रहा है क्योंकि सर के उस समीप है, क्या तुझे प्रेमी कहते हुए लज्जा नहीं आती? अपने प्रीतम से बिछुड़ने पर तेरी ये दशा है, तू विकल होकर या तो प्राण त्याग दे या तो मिलन कर, तुझे अपने प्रेम पे लज्जा नहीं आ रही? अपने को तू प्रेमी कहती है? महाप्रभु कहते हैं कि सारस कहती छोड़ो कौन बकवाद करे, तेरे में वो विशुद्ध प्रेम नहीं। नित्य संयोगी सारस चकई के प्रेम को अधूरा बता रहा है। अब महाप्रभु दूसरे पद में सारस के प्रेम का परिचय देते हैं। सारस सर सारस सर बिछुरंत को जो पल सहे शरीर, सारस सर बिछुरंत को जो पल सहे शरीर, अग्नि अनंग जो तिया भके तो जाने पर अग्नि अनंग जो तिया भके तो जाने पर तो जाने पर पीर धीर धर सकई वज्र तन, तो जाने पर पीर धीर धरी सकई वज्र तन, मरत सार सही फूट पुने ना पर जो जो लहत मन, मरत सार सही फूट पुने ना पर जो जो लहत, जैसे हित हरि वंश विचारी प्रेम फिर हा बिन वारस, जैसी हित हरि वंश विचारी प्रेम फिर हा बिन वारस, निकट
रहत कंत नित रहत मरम कह जाने सारस निकट कंत नित रहत मरम कह जाने सारस जय श्री हित हरि वंश विचारे प्रेम विरहा बिन वारस निकट कंत नित रहत मरम कह जाने सारस जय श्री हित हरि वंश विचारे प्रेम विरहा बिन वारस निकट कंत नित रहत मरम जाने सारस। मानो चकई हंस करके सारस से कह रही है, बहुत प्रेम की व्याख्या कर रहे हो लेकिन मुझे हंसी आती है तुम्हारे प्रेम पे। अगर कभी एक क्षण भी विरह को धारण किया होता तो पता चलता कि विरह में कितना प्रीतम के प्रति प्रेम होता है। विरही के मानस पटल पर केवल प्रीतम ही होता है, आठों पहर केवल प्रीतम ही छाए रहते हैं। ये क्या जाने सारस, चकई विचार करती है। इसका प्रीतम जब बिलग होता है तो तत्काल मर जाती है, एक क्षण भी तो ये विरह नहीं सह पाती। कितनी कमजोर है ये प्रेम की, कितनी कमजोर वृत्ति इसके अंदर हो, ये चली है हम पे आक्षेप करने। जो पूरी रात हम विरह सहती हैं अपने प्रीतम का, हम पे आक्षेप कर रही है कि तेरा प्रेम ही क्या कि तेरा प्रीतम सरोवर के समीप विराजमान है, बिजली की चमक में तुझे प्रीतम दिखाई भी दे रहा है लेकिन तू उससे दूरी बनाकर रात्रि भर रहती है, तेरा प्रेम क्या। तो चकई कहती कि तेरा प्रेम क्या, तेरा प्रीतम बिछुड़ता है तो तू तत्काल मर जाती है। अगर वज्र का जैसा हृदय बना करके और अपने प्रीतम की मिलन की कामाग्नि में तू रात भर जलती या एक क्षण भी तू जल के दिखा देती, एक भी क्षण तू विरह में रहती तो मुझे पता लगता कि हाँ तू प्रेम की व्याख्या कर रही, क्या तेरे अंदर प्रेम है। प्रीतम के बिछुड़ते ही प्राण त्याग देती, क्या स्वाद चखा तूने प्रेम का, बिना विरह के अधूरा प्रेम। दोनों एक दूसरे के प्रेम को अधूरा समझते हैं और धुरदास जी ने वर्णन किया है, जब बिछुरत तब हो दुख मिलत ही ओ सिराय याही में रस द्वै भये प्रेम कहो क्यों जाए। जब प्रीतम से वियोग होता है तो हृदय जलता है, दुख होता है, और जब प्रीतम से संयोग होता है तो हृदय में संयोग जनित शीतलता होती है। बोले दो सुख हो गए, इसे हम विशुद्ध प्रेम नहीं कह सकते। ये प्रेम रस का आंतरिक रहस्य है, सब यहीं तक रहते हैं। जब बिछुरे तो दुख और जब मिले तो सुख, लेकिन एक ऐसा प्रेम रस जहां ना बिछुरना है ना मिलना है ना दुख है ना सुख है, देखते देखते विरह है, देख रहे हैं रसमत है पर लोचन त्रसित चकोर बलिहारी। ये ऐसा ध्रुवदास जी कह रहे, तन मन के बिछड़े नहीं चाह बढ़े दिन रैन कबो संयोग न मानहिं देखे भरी भरी नैन। ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव है वृंदावन माही। देखो प्रिया जो समीप हैं तो हित सजनी जू से श्री लाल जू अत्यंत प्रेम रस से विवश होकर कहते हैं कि हित सजनी जू कहा कहो इन नैनन की बात, ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनतन जात, जब जब रुकत पलक संपुटलट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप सत सात,
कैसा विरह है, ऐसे पलक झपक गई तो 700 कल्पों की विरहाग्नि का लालजू के हृदय में दाह हो जाता है। देख रहे हैं, बस ऐसे पलक झपक, देखो लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप सत सात। हित सजनी जो हमारी इच्छा है, श्रुति पर कंज, मैं लाडली जू का अगर कर्ण कुंडल बन जाऊं और उनके कपोल का स्पर्श प्राप्त करता रहूं तो मैं अपने को धन्य मानूं। दृगंजन, अगर कुंडल न बने तो अंजन बन जाऊं जो स्वामिनी जू की आंखों में ही बसा रहूं। कुछ बीच मृगमद होए न समाप्त, अगर मैं मृगमद बन जाऊं और स्वामिनी जी के वक्षा स्थल पर विराजमान रहूं, मेरी यही प्रबल लालसा है। हित सजनी जू, हमारे हृदय की जो चाह है वो यही, श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बीच मृगमद होए न समाप्त। जय सहित हरिवंश नाभ सर जलचर, महाप्रेम रस की बात जांचत सावल का। श्री किशोरी जू लालजू की है, लालजू किशोरी जू के अधीन कहने को दो तन हैं, एक प्राण एक मन, कैसा अद्भुत प्रेम। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव, कैसा विरह होता है देखते देखते ये विरह होता है। हृदय से लगे हुए हैं तो नयन भी रही है और नेत्र भर कर देख रहे तो दाह विरह की श्री अंगों में समाई हुई। ये महाप्रेम, ये स्थूल प्रेम समझ में आवे, स्थूल विरह समझ में आवे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। रसिकों की कृपा से इसमें धीरे धीरे बढ़ना नहीं होता, इसमें सीधे इसी रस में। बकाया सिद्धांत यही है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ना, लेकिन यहां बढ़ना नहीं, यहां उठा के फेंक दिया जाता है उसी में प्रेम समुद्र में, बट डूब गया। अंकस्थितेपि दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्यकस्मात। श्री लाल जू के अनुराग में रंगी हुई लाडली जू को कैसा विरह होता है कि अंक में विराजमान है, लाडली जू को एकदम प्रेम वैचित्र दशा आई, बस पुकार उठी हा प्रीतम हा श्याम सुंदर, आप हमें छोड़कर चले गए, और गोद में बैठी। अंकस्थिते पि दैते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदध्य कस्मा। कैसे कोई इस प्रेम रस को समझे बिना रसिकों की कृपा के, बिना वृंदावन की कृपा के, ये प्रेम रस समझ में नहीं आता। ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव है वृंदावन माही, तीन बीच अंतर निमिष को होत जो कबहु नाई। हमारे प्रिया प्रीतम में एक पलक झपकने के समय का भी कभी वियोग नहीं होता, पर कभी संयोग ही नहीं मानते, इसीलिए प्रतिपल नवीन मिलन होता रहता है। इनका नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी नव पीताम्बर नई चूनरी नई नई बूंदन भीजत गु नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जु मल्हार नई गति श्रवण सुनत आए घन घोरी नव भूषण नव मुकुट विराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी जैस हित हरिवंश शीश देत मुख चिर जीवो भूतले हा जोरी। ये नई जोरी है, जिस पल दर्शन हो रहा उस पल दर्शन के पहले कभी दर्शन नहीं हुआ। कैसे कोई समझ पाएगा इस बात को, सदैव देखते ही रहते हैं प्रियाजू प्रीतम को, प्रीतम जू प्रियाजू को, सहचरिया प्रिया प्रीतम को, और कभी ये नहीं ऐसा सखियों को लगा कि वही प्रिया प्रीतम है जो अभी एक पल पहले देखा था। बहुत अद्भुत रूप, रूप का प्रवाह, और संपूर्ण वृंदावन नया, खग मृग पशु पंछी आकाश बूंदे ग्रह नक्षत्र तारे सब सहचरियां बनी हुई, और सब नवीन नवीन विलास होता है। इसीलिए आज आज गोपाल रास रस आज अति राजत
आज बन राजत जुगल किशोर, आज संहारत नाहिन गोरी, आज प्रभात लता मंदन में, आज तो जुवत तेरो, आज महाप्रेम रस है। महाप्रभु ने इन दो पदों में दर्शाया कि ये दोनों प्रेम अधूरा, जो पूर्ण प्रेम प्रकाशित है वृंदावन में, यह स्थूल मिलन और स्थूल विरह की गुंजाइश नहीं। यहां तो मिले हुए ही कभी ऐसा नहीं मानते कि मैं मिल, और कभी बिछुरे नहीं, कभी बिछुरे नहीं, ये पहली बिना सहचरियों की कृपा के समझ में नहीं आ सकते। 42 लीला जी, वृंदावन सतलीला, पृष्ठ संख्या 16। कुंज कुंजयति प्रेम सो कोटि कोटि रति में, कुंज कुंजयति प्रेम सो कोटि कोटि रति में, दिन ही सवारत रहत है श्री वृंदावन, दिन ही सवारत रहत है श्री वृंदावन। विपिन राज राजत दिन ही बरसत आनंद फुल, विपिन राज राजत दिन ही बरसत आनंद फुल, लोक सुगंध परा मधुप करत मधुगुण, लोक सुगंध राग रस मधुप करत मधुगुण, अरुण नील सित कमल कुल रगे फूल बहुरंग, त्रिवेद समीर बहे जैसी रुचि जी का, सो त्रिवेद समीर बहे जैसी रुचि जी का, मधुर मधुर कल को पिला पूजत मोर मरा, मधुर मधुर कल को किला पूजत मोर मरा, मंड यमुना वारियों राजत परम रसा, मंड यमुना वृंदावन शिवन चंद्र, जय जय
श्री हरिवन जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। चरित्र ब्रज के भक्तों में श्री गौर गोविंद दास बाबा जी का चरित्र चल रहा है, जिनके विषय में कल सुना कि गुरु कृपा से और लक्ष्य दृढ़ता के परिणाम स्वरूप 800,000 तक उनकी जप संख्या हो गई। संयोगवश रात को भी कोई पहुंचता तो वे नाम जप करते उन्हें पाता। एक बार उन्हें एक विषधर सर्प ने काट लिया, पर उनके चित्त में उससे किसी प्रकार का विक्षेप ना हुआ, वे निर्विघ्न नाम जप करते रहे। नाम रूपी संजीवनी बूटी ने उन पर उसके विष का कुछ भी असर न होने दिया। अंत में बाबा का सोना जगना एक सा हो गया। हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया, सेनपुर में थे तो वहाँ बहुत बिच्छू निकलती, बड़ी बड़ी भूरी बिच्छू, बहुत ही खतरनाक। कई वर्ष वहाँ रहे। सांप तो ऐसे शाम टाइम गंगा किनारा था ना एकदम जंगल, तो वहाँ ऐसे दर्शन होते थे। तो एक मौनी संत थे, तो ऐसे हम बैठे हुए थे, ऐसे वो बैठे हुए थे। बड़ी सी बिच्छू धीरे से ऐसे नीचे से ऐसे, उनको पता नहीं चला, ऐसे वार्ता कर रहे थे, हमसे बात कर लेते थे प्रायः, वो मौन ही रहते थे। एकदम मारा एकदम ऐसे हुई। तो अब कहीं भी कुछ भी हो तो हाथ जाता है, हाथ में आया तो हाथ को ऐसे उसने पकड़ लिया, बिच्छू ऐसे हिल गई, यहाँ मारा, यहाँ से ऐसे उन्होंने किया तो छाती में आई, छाती में मारा, देखा हमने तो एकदम कांप गए कि अब जंगल है, यहाँ कोई औषधि नहीं, एकदम वैसे हुए कि बस वो चले गए वहां से, अपनी कुटिया में गए, दरवाजा बंद कर लिया। सुबह निकले, जैसे दिनचर्या थी, हमने उनसे पूछा कि आपको परेशानी नहीं हुई, बोले बस नाम ध्यान करते हुए चुपचाप एकाग्र हो गए, कब उसका प्रभाव चला गया पता नहीं चला। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। धन्वंतरी जी ने संपूर्ण आयुर्वेद का शोध किया, आयुर्वेद, और उसमें निकाला कि जितनी अच्युत गोविंद कृष्ण नाम में रोग निवारण की सामर्थ्य उतनी किसी औषधि में नहीं। ये भगवान धन्वंतरी जी जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने शोध करके, ये कोई श्रद्धा का विषय नहीं, उन्होंने शोध करके किसी भी औषधि में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी कृष्ण नाम में, गोविंद नाम में, अच्युत नाम में सामर्थ्य है। यदि आप नाम जापक हैं तो बहुत बड़ी सामर्थ्य है। और नाम जापक को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई चोट नहीं लग सकती, हमें कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि हम नाम जप करें हमें सांप नहीं काट सकता, बिच्छू, संयोग हो सकता है, हमारा पूर्व जन्म का जो कुछ ऐसा कर्म रहा उससे प्रेरित होकर जो शरीर की रचना हुई, ये तो पहले से हो गई ना। अब जैसे गर्भ से ही किडनी रोग है तो पहले से है ना, पूर्व जन्म से वो निश्चित था कि इस शरीर को इस रोग से ग्रसित होना है। अब ये सोचे कि भजन करने पर ऐसा क्यों, नहीं नहीं, भजन हमें भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है। शरीर में जो भी दुख सुख आते हैं उनको निर्विकार भाव से भोगने की भावना रखनी चाहिए, हटाने की नहीं, कि हम भजन बल से उसको हटा दें ऐसा नहीं है। तो बहुत भ्रम की बात हुई कि आप सत्य भजन को इस असत शरीर की रक्षा के लिए लगा दें। तो बड़े बड़े महापुरुषों में ऐसी बातें देखी गई कि उनको कभी कभी ऐसे ज्वर आदि या कोई ऐसे रोग आदि या ऐसे कोई प्राकृतिक जंतु आदि के द्वारा कष्ट दिया गया, लेकिन वो प्रभु के स्मरण के बल से उससे बच गए, उससे निकल गए। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई रोग ना हो या कोई कष्ट ना हो, हमें यही कहना चाहिए कि प्रभु हमारे भजन का फल हो, आपसे प्रेम, और शेष जो शरीर का दंड है वो आप जैसे चाहें वैसा करें। अगर आप नाम जप करते वैसी कामना करेंगे तो नाम में सामर्थ्य वैसा करेगा, लेकिन प्रेम रस प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी, और शरीर तो छूटेगा आपका, स्वस्थ है तो छूटेगा, अस्वस्थ है तो छूटेगा, जो छूटने वाला है उसके लिए ये अमूल्य नाम का प्रयोग क्यों करें। नाम का प्रयोग प्रभु से प्यार करने में करें। अच्छा, नाम जप करोगे तो आपको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे दास भाव वाले को, सखा भाव वाले को, गोपी भाव वाले को, सैचरी भाव वाले को भावदेह की प्राप्ति। तो ये नाम देखो कहाँ पहुँचा दिया,
ये शरीर सांप की केचुल की तरह अलग रहेगा और आप दिव्य देहधारी हो जाएंगे, जहाँ न जन्म है न मरण है न दुख है न सुख है। इसलिए निष्काम भाव से ही नाम जपने की भावना बनानी चाहिए, नाम को सकामी कर्मों में खर्च नहीं करना चाहिए जी। बाबा का सोना जगना एक सा हो गया, रात रात भर जागकर जप करना, नृत्य के साथ भावपूर्ण मुद्रा में रोदन करते हुए नाम संकीर्तन करना, ये उनका साधारण दिनचर्या हो गया। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, गीत्वा च मम नामानि नर्त्यं मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तेन चार्जुन। गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिक्रीतो नान्यक्रीतो जनार्दन। हे अर्जुन, मेरा नाम गागाकर जो मेरे सामने नृत्य करते हैं, मैं सच कहता हूँ मैं उनके हाथ बिक जाता हूँ। जो मेरे नाम का गान कर मेरे सामने रोदन करते हैं, मैं सभी प्रकार से उनके द्वारा कृत हूँ, उनके वशीभूत हो जाता हूँ और किसी के भी द्वारा। इसमें एक ध्यान देना है कि नाटकबाजी नहीं करनी। मान लो आपने सुना ये और ऐसा, नाटक नहीं होना चाहिए। हृदय की जो स्थिति है वैसे पाखंड नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। मान लो अगर आपको अभ्यास करना है रोने का तो अपनी कुटिया में करें, बंद करके, जिसे कोई सुन ना पावे, कोई देख न पावे। मानो हमें नहीं रोना रहा तो हम रोने का झूठा खेले साँचा होए, झूठे से रोएंगे तो सच्चे रुला देंगे प्रेम में। पर हम समाज में कभी ऐसा कोई दृश्य उपस्थित न करें जो बनावटी हो। यदि बनावटी होगा तो दंभ है और वो बहुत बाधा पहुंचा देगा, ये सत्य मार्ग है। अब नहीं राज आ रहा, रोना आ रहा है, अब क्या करें, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ तक हो सके तहाँ तक छुपाने की चेष्टा करें। जो प्रकट हो गया तो हरी जाने, वो तो अंतर्यामी जान रहे हैं हृदय की भी बात कि हम कोई दिखावा नहीं कर रहे, सहज में ऐसा हो रहा है। लेकिन जानबूझ करके कुछ ऐसा प्रभावित या ऐसा दिखावा के लिए ऐसा न कर कि भाई इसमें लिखा है तो अब हम वो ऐसा। एक बार प्रसंग आता है हरिदास जी के चरित्र में कि एक जगह कुछ नाट्य कलाकार करने वाले वो कालीदेह लीला का अनुकरण करते हुए गान कर रहे थे बहुत सुंदर संगीत से। वहाँ भीड़ लगी हुई थी, नाम जापक हरिदास जी पहुँचे तो उनका हृदय वैसे ही द्रवित रहता था, जी ही लीला सुनी तो उछले धड़ाम से गिर गए मूर्छावस्था और बड़ा। वो जो प्रधान था उसमें गायक, उसने देखा, वो बार बार हरिदास जी की परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत हुआ, चरण रज माथे पे लगाई और ऐसा। वहाँ एक पंडित जी भी खड़े थे, तो ये प्रसंग है चैतन्य चरितावली में, तो उन पंडित जी को लगा कि इनको तो ऐसा, तो अगर इसी क्रिया से ऐसा होता है तो हम भी करते हैं। वो जब दोबारा आलाप लिया तो ऐसे ही बिल्कुल वैसे, नाटक करने में क्या जाता है दही, नाटक असलियत का ही होता है। अगर नकली नोट बनता है तो असली की ही तो टू कॉपी बनता है, अगर पाखंड होता है तो असलियत का ही तो होता है। अब असलियत में भी वही वचन है, आप अपने तन मन प्राण को समर्पित कीजिए, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। और नकल भी यही बोलते हैं, नकल भी यही बोलते हैं, इसी का दुरुपयोग होता है, तो असल की ही तो नकल होती है। वो वैसे ही उछले धड़ाम से पंडित जी गिर गए और बस ऐसे ऐसे कर, तो वो जो बजाने वाला ढोल का डंडा था ना उसे पिटाई शुरू कर दी पंडित जी की उसने, वो जानकार था भाव का, दो चार डंडे में पंडित जी का भाव गायब हो गया, उछल कर भागे। तो लोगों ने कहा कि हरिदास जी जब गिरे तो आप चरण धूलियो ऐसा, और जब पंडित जी गिरे तो डंडा क्यों चला है, बोले नाटक कर रहा है, हरिदास जी की नकल कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, इसमें भाव नहीं है। और हरिदास जी असली भाव में डूबे हुए थे। तो अपने को चाहिए कि कोई भी दिखावा या नाटक ना करें, जैसे शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि भगवान नाम कीर्तन करते, यदि हमारे अंदर भाव आ रहा है, रोना आ रहा है, वो तो रुकेगा ही नहीं, तो भाई सामर्थ्य नहीं कि रोक सको, क्योंकि वो धारा है। पर हम नाटक ना करें, जानबूझकर कोई ऐसा दिखावा ना करें जो हमारी भक्ति को किसी भी तरह से कुंठित करे।
हमारी भक्ति बढ़ती चली जाए, हम छुपाने की कोशिश करें और फिर अगर वो हरि के भाव में कुछ ऐसा हो रहा है तो हरि संभालते हैं। गौर गोविंद दास बाबा का तो उनका नामगान करने और उनकी याद में रोने धोने के सिवा और कोई दिनचर्या ना थी, इसलिए श्री कृष्ण का उनके हाथ बिक जाना और उनके वशीभूत हो जाना स्वाभाविक था। वे कितना उनके हाथ बिक गए थे इसका एक घटना से अनुमान लगाया जा सकता है। एक दिन बाबा वृष्टि हो जाने के कारण मधुकरी कर रात से देर में लौटे, भूख जोर की लगी थी। मधुकरी आरोगने के पूर्व ठाकुर को भोग लगाना भूल गए। एक ग्रास खाकर निगल ही रहे थे कि अचानक याद आया कि भोग नहीं लगाया है। उन्होंने तुरंत कंठ पकड़ लिया अपना, फिर भी ग्रास नीचे उतर गया। उन्हें अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया, भूख प्यास का ना जाने क्या हो गया, मधुकरी के टूक सामने वैसे के वैसे पड़े रहे। तब कुटिया के भीतर से ठाकुर के मधुर कंठ की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने कहा कि अरे, नित्य ब्रजवासियों की झूठी खिलाता है, आज अगर अपनी झूठी खिलाने में तेरे को क्या संकोच होता है, आज अगर अपनी झूठी खिला देगा तो क्या होगा, अब भोग लगा देना, क्या हो गया। ठाकुर की आवाज़ सुन बाबा के रोंगटे खड़े हो गए, अश्रुकंपादिक सात्विक भावों से उनका शरीर परिपूर्ण हो गया। उन्होंने सकुचाते सकुचाते अपनी झूठी मधुकरी का ठाकुर को भोग लगाया, तब स्वयं उसे ग्रहण किया। उस मधुकरी में उन्हें जो स्वाद मिला वे पहले कभी किसी स्वादिष्ट भोजन में नहीं मिला था। स्पष्ट है कि उस दिन ठाकुर ने मधुकरी बड़े प्रेम से आरोगी, उससे उन्हें जो तृप्ति हुई वे बाबा द्वारा समर्पित मधुकरी से पहले कभी ना हुई थी। कैसा अनोखा है व्रज का ये ठाकुर, अपने भोले भक्तों के सामने उसकी ठकुराई न जाने कहाँ चली जाती है। संवत्सर 2016 माघबदी प्रतिपदा को बाबा ने नित्र लीला में प्रवेश किया। अप्सरा कुंड के निकट उनकी और उनके सेवक श्री लाडली दास बाबा की समाधि है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पाग बनी पटुका बन्यो बन्यो लाल को भेष, श्री राधा वल्लभ लाल की सुदौर आरती ले आरती की जय। श्याम सुंदर की आरती की जय। श्याम सुंदर की नंद के नंदन राधिकावर की, नंद के नंदन राधिकावर की, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती, साधु संगति कर अनुदिन राती, आरती ब्रज युवती यूत मन भावे, आरती ब्रज युवती यूत मन भावे, श्याम लीला श्री हरि वंश हित गावे, श्याम लीला श्री हरि वंश हित गावे, आरती राधा वल्लभ लाल की, आरती राधा वल्लभ लाल की की। चमर कर लिए सखी चाऊर चमर कर लिए, अनुरागन सो भीने लिए, अनुरागन सो भीने लिए, सन मुख भीन मृदंग बजावे, सन मुख भीन रंग बजावे, सहचरी नाना राग सुनावे, सहचरी नाना राग सुनावे, आरती राधा वल्लभ
जटित मणि सोहे कंचन थार जटित मणि सोहे मध्यवर्ती का त्रिभुवन मोहे मध्यवर्ती का त्रिभुवन मोहे अखंडानाद कहो नहीं जाई चरण निवासी जो पलाल हित चरण निवासी आरती राधा वल्लभ लाल की जय आरती राधा वल्लभ लाल की जय माने रखी नयन छवि लाली जय दिन कर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार दृढ़ व्रत श्री हरि वंश को मिटे न नित्य विहार जोरी जुगल किशोर की और रची विधि बाद दृढ़ व्रत श्री हरि वंश को निवयो आदि युगादि मानि गम ब्रह्म पर सत नहीं जो रस सब ते दूर कियो प्रगट हरि वंश जो रसिकन जीवन मोर रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल ओ मन मिले के भय श्री राधा वल्लभ कुंज ठाड़े भये मुझा परस्पर श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश रे मन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम जी रस बस ब्रज सुंदरिनु छाड़ दिए सुखधाम निगम नीर मिले एक भयो भजन दूध समसे श्री हरि वंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हे श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार ध्रुव तो भूलो और ते तुम जिन देव बिसार पापी क्यों न होए हरिवंश नाम जोले अलक लड़े तेरी जी के महल खवासी दे ए महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बढ़त है सहज लाड़ी लीला सब अज मन को भूप हो नाहीन कछु समझन अधमोदार
चरण व्यास सुत यह सुन के हरिसन बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखदा जिनको बंदत नीत ही चल सभी लो जा श्री हरिवंश स्वरूप को मन वच करो प्रणाम सदा सनातन पाइए श्री वृंदावन दा जोरी श्री हरिवंश की श्री हरिवंश स्वरूप सेवक वाणी कुंज में विहरत परमानो हाँ करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार वृंदावन रस कह को प्रगट दयो हित की उपासना हित के हैं हम दास हित विशेष राखते रहो हित नित हित किया हरिवंशी हरि अदर चढ़ी गूंजत सदा मंद मृग चकोर प्यासे सदा प्याए सुधा हरिवंशी गाय मन भावे जस हरिवंश हरिवंश बिना ननिकासिनो पर निवास हरिवंश दीजो श्री वृंदावन वासी श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को ये जोरी मेरे जीवन प्राण श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को हाँ मोर मुकुट पीतांबर जी पीतांबर उर बैजंती माल आदि सोए गल फूलन की माँ श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को जमुना पोले नवशीवट ये जीवशीवट सेवा कुंज निज धाम हाजी मंडल सेवा सुख धाम हाजी मान सरोवर बाद ग्राम श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को वंशी बजावे प्यारो मोहना बजावे प्यारो मोहना श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को देखो या ब्रज की रचना वृंदावन की रचना नाचे जुगल किशोर आदि नाचे लवल किशोर देखो श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल को आ चंद्र सखी को प्यारो राधा जु को प्यारो सखियन को प्यारो नीरज रखवारो श्री हरिवंश दुलारो दर्शन दीजो दीनाना दर्शन दीजो हितला नीरकु श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल ये जोरी मेरे जीवन प्राण दीजो श्री वृंदावन वास को श्री राधा वल्लभ लाल को लड़े ती लाल जय जय श्री हरिवन श्री वृंदावन श्रीवन जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्रीवन जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्रीवन जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवन गुरु वृंदावन गुरुवन शरण सकल शुभ शुभ नर्ष देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरि श्री राधा वल्लभ लाल की
जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय श्री सेवक जू महाराज की जय समस्त सहचरी वृंद की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री यमुना रस रानी की जय समस्त संत हरि भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय